काटने ले जाता है तो उस गाय को पकड़ के पुलिस स्टेशन में रखते हैं। हम लीगली तेलंगाना में गौरक्षा कर रहे हैं तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बाहर देखिए कैसा गौरक्षा हो रही है, किस तरह से बाहर लोग गौरक्षा करते हैं। पहले कसाई को ठोकते हैं, गाड़ी जलाते हैं, उसके बाद में गायों को निकाल लेते हैं। हम वैसा वातावरण तेलंगाना का खराब नहीं करना चाहते। हम पुलिस को लेकर हम गौरक्षा का एक अभियान चलाना चाहते हैं। अगर पुलिस सपोर्ट करी तो ठीक है, अगर सपोर्ट पुलिस नहीं करती है, अगर तेलंगाना में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है उसकी जिम्मेदार पुलिस रहेगी। और हमारे होम मिनिस्टर, तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप होम मिनिस्टर है तेलंगाना के, ना कि मुसलमानों के होम मिनिस्टर नहीं है। आपके दो आंख है, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको एक नजर से आप देखने का आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप कसाईयों को सपोर्ट करेंगे और गौरक्षकों को जेल में डालेंगे तो इसका परिणाम भी आप सबको भुगतना पड़ेगा। तेलंगाना का वातावरण हम खराब नहीं करना चाहते। अगर तेलंगाना में गाय कटेगी तो आने वाले समय में फिर कसाईयों की क्या हालत होगी, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी थोड़े सोचने और समझने की आवश्यकता है। और अभी तो उन कार्यकर्ताओं को रिमांड कर दिया, यानी जैसा उनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ, पीछे के दरवाजे से निकाल के सीधा मजिस्ट्रेट के घर को उनको लेके चले गए, वहां से उनको जेल को भी पहुंचा दिए। अभी रमना क्या राम मोहन ऋषि कदा ऋषि वाला एडवोकेट తీసుకొని అడ్వకేట్ కి పెట్టి వారికి బెల్ తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। అదే కొద్దిగా అడ్వకేట్ గారికి కూడా పంపించండి। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।